हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा एंड रामनवमी टू ऑल। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता था कि अभी नवरात्र चल रहे थे, तो इसलिए मैं कुछ भी अच्छा से नहीं बना पा रही थी और इसके वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। बट आज नवरात्रि खत्म हुई है, मेरा भी 9 दिन का फास्ट था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना नवरात्रि का जो व्रत है वो कुछ अच्छा सा खा के तोड़ा जाए। इसलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी स्टाइल राजमा चावल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे मैंने ये राजमा लिया है, मैंने इसे ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। देखिए जो इसका साइज है वो डबल हो चुका है। राजमा आप जरूर भिगोए रात भर के लिए, क्योंकि इसकी जो स्किन होती है वो निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से जो आपके राजमा है वो बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आप इसे रात में भिगोना भूल गए हैं तो आप पानी को गर्म करिए और इसे 2 से 2.5 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दीजिए, जो आपके राजमा है वो अच्छे से फूल जाएंगे। और ये देखिए, ये साइज में भी डबल हो चुके हैं। जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें हम राजमा को बॉईल करेंगे, जिसके लिए मैंने राजमा को कुकर में डाल दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने ले लिया है। आप चाहें तो उसमें एक तेज पत्ता और मोटी इलायची भी डाल सकते हैं, उससे जो राजमा का टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है इसमें हम नमक ऐड करेंगे। हम यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं। ध्यान रखें आपको 1 चम्मच ही नमक ऐड करना है, क्योंकि आगे जब आप मसाला प्रिपेयर करेंगे उसमें भी आपको नमक ऐड करना होगा। अब हमने जो ढक्कन है इसका कुकर का वो बंद कर दिया है। अब हम इसे 3 से 4 विसल आने तक वेट करना है। तो चलिए अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि क्या क्या ज़रूरत है हमें राजमा बनाने के लिए। तो जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है प्याज। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट लिया है। आपको यहाँ पे जो प्याज है वो काट के इस्तेमाल करना है, आपको प्याज का पेस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि जो पंजाबी लोग होते हैं वो कभी भी प्याज का जो पेस्ट है वो यूज़ नहीं करते, वो हमेशा प्याज को बारीक काट के उसे बनाते हैं, तभी उसका जो फ्लेवर है वो एनहेंस होता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है टमाटर। मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए, मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 छोटा टमाटर लिया है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है उसमें हमें चाहिए 2 हरी मिर्ची, 1 अदरक का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच जीरा, 2 लौंग। तो चलिए अब हम राजमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमने मिक्सर ग्राइंडर के जार में टमाटर को जो है टुकड़े करके डाल दिए हैं। अब हमें इसका पेस्ट बनाना है, इसके साथ ही साथ इसमें 1 अदरक का टुकड़ा जाएगा, 2 हरी मिर्ची जाएंगी। अब इन सबका हमें पेस्ट बनाना है। देखिए हमने यहाँ पे टमाटर का जो पेस्ट है वो बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे के प्रोसेस में बढ़ते हैं। देखिए जो पेस्ट है उसे हमने अलग निकाल लिया है। गाइस, यहाँ पे आपको गार्लिक की जरूरत है, मैं गार्लिक लेना भूल गई थी, बट आपको जो गार्लिक है वो मसाले के साथ में ही पीसना है। मैंने यहाँ पे 3, 4 से 5 यहाँ पे गार्लिक लिए हैं, जिन्हें अच्छे से छील लिया है। अब मैं इसमें इसको क्रश कर लूँगी। आपको इसका पेस्ट बनाना है, आपको इसके साथ ही इसे पीसना है। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे क्रश कर लेंगे। देखिए जो गार्लिक है उसे हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे एक कढ़ाई लेनी है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब जो हमने यहाँ पे खड़े मसाले लिए थे हम उसमें वो ऐड कर देंगे। तो गाइस, जब तक जो हमारे राजमे हैं वो बॉईल हो रहे हैं, तब तक हम जो है राजमे का मसाला बना लेते हैं। तब हम इसमें जो खड़े मसाले हैं ये ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। देखिए जो मसाले हैं वो हो चुके हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे, जो हमने बारीक काट के रखे थे। इसे भी हम अच्छे से चलाएंगे। अब हमें इन्हें ब्राउन होने तक पकाना है। अब हम इस स्टेज पे यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ही नमक ऐड करना है, ताकि जो प्याज है वो थोड़ा सा जल्दी से ब्राउन हो जाए। आप ध्यान रखें यहाँ पे नमक डालते रहें, क्योंकि आपने राजमे में भी नमक डाला है। अब हमें इसे अच्छे से ब्राउन करना है। गाइस, पंजाबी राजमे की यही खासियत होती है, इसमें जो ये प्याज होता है वो अच्छे से ये लोग ब्राउन करते हैं, तभी वो जो फ्लेवर है वो एनहेंस होके आता है। तो आपको ये प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है। आपको यहाँ पे प्याज का पेस्ट नहीं यूज़ करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपके जो राजमा है वो बहुत ही अच्छे बन के रेडी होंगे। देखिए जो प्याज है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। गाइस, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जब मैं नवरात्रि का फास्ट थी, मैं पूरे 9 दिन का फास्ट थी, तो मतलब जो दुनिया भर के खाने की जो क्रेविंग होती है वो हमें नवरात्रि के व्रत के टाइम ही होती है, कि मैं ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, वो भी खा लूँ। और हम ये सोचते हैं अरे जैसे ही नवरात्रि खत्म होगी तुरंत मैं सुबह उठ के ये खाऊंगी जाके, वो खाऊंगी जाके, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इधर जो हमारे प्याज है ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने थोड़ा सा और इन्हें ब्राउन करना है।
तो जब तक प्याज ब्राउन हो रही है तब तक हम देख लेते हैं कि हमें सूखे मसालों में कौन कौन से मसाले चाहिए। तो हमें यहाँ पे चाहिए आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर, और हमें चाहिए यहाँ पे 1 से 2 चम्मच धनिया पाउडर, नेक्स्ट हमें जो चाहिए वो आधे चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर। बस हमें यही मसाले चाहिए, इसके अलावा हमें और कोई भी मसाले नहीं चाहिए। तो जो हमारे प्याज हैं वो ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें अच्छे से चला देंगे। हम इन्हें थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे, इसके बाद हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। देखिए जो प्याज है वो ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं गाइस, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट अगर आप प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं तो आपके राजमे में अच्छा सा स्वाद आ जाएगा और आपका जो फ्लेवर है राजमे का वो भी बहुत इन्हेंस हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे गार्लिक जो क्रश करके रखा था वो इसमें हम ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे प्याज के साथ में, और इसे भी थोड़ी देर तक भूनेंगे ताकि जो गार्लिक की रॉनेस है वो निकल जाए। देखिए जो प्याज और गार्लिक है वो अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। नेक्स्ट इसमें हम जो हमने सूखे मसाले प्रिपेयर करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाइस सूखे मसाले डालने के बाद आप उसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कर दें, इससे क्या होगा जो आपके सूखे मसाले हैं वो जलेंगे नहीं और अच्छे से पक भी जाएंगे। हम इसे भी 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। हमने मसालों को 1 से 2 मिनट तक पका लिया है, अब जो हमने टमाटो का पेस्ट बना के रेडी किया था वो इसमें हमको ऐड करना है। हम इसे इस पेस्ट को पूरा इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसालों के साथ में। नेक्स्ट इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे तब तक पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि जो ऑयल है वो मसाले से स्प्रेड ना हो जाए। जब ऑयल मसाले से सेपरेट हो जाएगा तब इसमें बाकी की चीज़ों को ऐड करेंगे। और हाँ गाइस मैं सॉल्ट ऐड करना भूल गई, बट ध्यान रखें आपको सॉल्ट बहुत ही सावधानी से ऐड करना है, क्योंकि आपने राजमा में भी सॉल्ट ऐड किया है और आपने प्याज तलते टाइम भी आपने सॉल्ट ऐड किया, तो यहाँ पे आपको सॉल्ट जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में ऐड करना है। इसमें आधे चम्मच से भी कम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ में। अब हमें इसे मीडियम गैस पर छोड़ देना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएँ और जो तेल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए मसालों से। देखिए जो राजमा है वो भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए अच्छे से हाथ से टूट रहा है। आपको राजमा बस इतना ही गलाना है, इससे ज़्यादा आपको राजमा नहीं गलाना है। इधर जो मसाला है उसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे जो मसाला है वो कितना पका है। देखिए मसाले से अच्छे से ऑयल सेपरेट हो चुका है, हम इसे अच्छे से चला देंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि जो मसाला है वो और अच्छे से पक जाए, देन इसमें हम राजमा ऐड कर देंगे। देखिए जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है, एकदम रेडी है। नेक्स्ट इसमें हम जो है राजमा हमने बॉईल करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। हमें राजमा पानी के साथ में ऐड करना है और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है राजमा का। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, हमने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया है, आप चाहें तो ऐड करें, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। देखिए जो राजमा है वो अच्छे तरीके से पक चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, हम इसे एक बार चला देंगे। देखिए जो राजमा का कलर है वो कितना अच्छा आया हुआ है और ऑयल भी देखिए एकदम अच्छे से सेपरेट हो गया है। ये पहचान होती है कि जो आपके मसाले हैं बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं, अगर आपका जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाता है मसालों से। और जो नेक्स्ट है इसमें वो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो ऐड कर देंगे।
अब इसमें आधे चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा राजमा में। हमारे जो राजमा है वो ऑलमोस्ट पक चुके हैं, अब हम गैस ऑफ कर देंगे। गाइस यहाँ पे मैंने राजमा में धनिया पत्ती नहीं डाला है क्योंकि मेरे पास धनिया पत्ती नहीं अवेलेबल थी। अगर आपके पास धनिया पत्ती अवेलेबल है तो आप ज़रूर डालें, उससे जो उसका टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम इसकी प्लेटिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे राजमा चावल की सर्विंग कर ली है। मैंने बाउल के एक साइड में चावल लिए और एक साइड में मैंने राजमा लिया है और मैंने इसे एक हरी मिर्च और दो प्याज के स्लाइस के साथ में सर्व किया है। गाइस अगर आपको मेरी राजमा चावल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।